हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है, जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे 8 बजे वाले और 5 बजे वाले सेशन को, ताकि आपके डे बाय डे नॉलेज जो है वो इम्प्रूव होती रहे। आज है 12 जनवरी, तो 12 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कोट ऑफ द डे। आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो बिल्कुल सच बात है, जो कि यहाँ पे बबीता यादव के द्वारा दोस्तों कही गई है कि आसमां के ऊपर दोस्तों किसी के ठिकाने नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते ना वो कहीं के भी नहीं होते। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जीवन के अंदर चाहे कितने भी बड़े पर्सन बन जाए, चाहे आप लाइफ में कितने बड़े अचीवर बन जाए, हमेशा दोस्तों डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करेगा। अपने से जो छोटे लोग हैं, अपने से जो आपसे जो लोअर रैंक के ऊपर लोग हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करें, उनका ध्यान रखने की कोशिश करें, और यही चीज होगी जो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। ओके गाइस, तो जमीन के ऊपर पैर जो है वो हमेशा रहने चाहिए, उसी से आपको दोस्तों रियल हैप्पीनेस है जो कि नसीब होगी। आगे बात करते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए बुनेश 10 है या फिर BHU 10 आप यूज कर सकते हैं। आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा। UPSC, बैंकिंग, SSC सभी एग्जाम है। SSC के अंदर इंडियन ज्योग्राफी की मैं शुरुआत करने वाला हूँ 2-3 दिनों के अंदर, ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास से मात्र 450 रुपये पर मंथ में आप अपना कंप्लीट SSC का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी। 3 मंथ चैलेंज दोस्तों वापस से स्टार्ट हो चुका है। आज सुबह 10 बजे है आपके, जबरदस्त सेशन है दोस्तों ज्योग्राफी का, तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी दोस्तों मत भूलिएगा। ठीक है, इस बहुत मजा आ जाएगा, फ्री स्पेशल सेशन होगा। ओके, सभी बच्चों के लिए फ्री है, तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 10 जनवरी को हर साल है दोस्तों जो कि मनाया जाता है। और फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है 1975 के अंदर, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तब करवाई गई थी। और उसी के बाद से दोस्तों 2006 के अंदर भी पहला वर्ल्ड हिंदी दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है गाइज, और वैसे हम लोग अगर हमारे नेशनल हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को आता है, और वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को आता है ना। हमने 14 सितंबर क्यों मानी है नेशनल हिंदी दिवस? क्योंकि हिंदी को हमने ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अडॉप्ट करी थी। निम्नलिखित में से किसने जो है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन है दोस्तों जो कि लैप्ड पॉलिसीज के लिए लॉन्च किया है? तो लैप्ड पॉलिसी का मतलब है जो पॉलिसी दोस्तों कंटिन्यू नहीं हो पाती, उनके लिए LIC के द्वारा दोस्तों स्पेशल रिवाइवल कैंपेन है जो कि चलाया गया है दोस्तों। ठीक है गाइस, LIC की बात करें, 1956 में इसकी शुरुआत हुई। MR कुमार है जो कि अभी चेयरमैन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से किस बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया बुक में फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स को पहचानने के लिए यंगेस्ट किड का खिताब है जो कि जीता है? फ्लैग और कंट्री के नेम्स को पहचानने के अंदर दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बनाया गया, और ये यंगेस्ट किड है, उसका नाम है दोस्तों प्रेशा। यहाँ पे प्रेशा आएगा, तो ये प्रेशा केमानी है दोस्तों जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मात्र 5 साल की है, और दुनिया की 150 कंट्री कैपिटल उनके झंडे इनको याद है। 4.17 मिनट के अंदर दोस्तों इन्होंने बता दिया, मतलब कितनी बड़ी बात है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कलारी पयट्टू अकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कलारी पयट्टू दोस्तों 3000 साल पुराना हमारा मार्शल आर्ट्स है, और इसकी अकेडमी केरला है दोस्तों जो कि तिरुवनंतपुरम के अंदर सेटअप कर रहा है। ओके गाइस, और कलारी के नाम से बहुत ही फेमस है, इंडियन मार्शल आर्ट है, केरला में इसका ओरिजिन हुआ था, और बहुत ही पुरानी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट है इंडिया के अंदर। ये देखिए इस तरीके से करता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए हिम तापक नामक ताप उपकरणों का विकास किया है? हिम तापक नाम के जो करे गए हैं, ये DRDO के द्वारा दोस्तों किया गया है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, हिम तापक स्पेस हीटिंग डिवाइस। ओके, इंडियन आर्मी के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, 450 करोड़ रुपए के आसपास की कॉस्टिंग रही है। DRDO की बात करें, 1958 में फॉर्मेशन हुआ, और अपने सतीश रेड्डी जी दोस्तों अभी चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल बनता है।
हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड प्रणाली के यूके में अपने उपयोगकर्ता टर्मिनलों के लिए लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राप्त किया है। स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड प्रणाली को डैश द्वारा विकसित किया गया है। तो स्टारलिंक की बात करें तो दोस्तों, तो ये स्पेस एक्स जो अपने एलन मस्क है उनके द्वारा दोस्तों अप्रूवल है जो कि किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ना, थाउजेंड्स ऑफ मास प्रोड्यूस्ड स्मॉल सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में जो कि लगाए गए। देखिए इस तरीके से छोटी छोटी सैटेलाइट से पूरी तरीके से घेर लिया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, है ना, 120 से 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर। ओके, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिका को अमेरिका में आगामी जो बाइडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है। उप प्रेस सचिव की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो है वो सबरीना सिंह जी है दोस्तों, जिनको अपॉइंटमेंट है जो कि दिया गया है। इंडियन अमेरिकन है, व्हाइट हाउस के अंदर प्रेस डिप्टी सेक्रेटरी है जो कि इनको बनाया गया है। भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का दूसरा सत्र विश्व व्यापार संगठन में संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय डैश में है, तो इसका मुख्यालय है आपके जेनेवा में, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है गाइस, जेनेवा हो जाएगा। 164 मेंबर्स है, इंग्लिश फ्रेंच और स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। थाउजेंड द्वीप हाल ही में एक विमान दुर्घटना में के कारण खबरों में था, वह निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? थाउजेंड आइलैंड्स, ये किस देश का हिस्सा है दोस्तों? ये इंडोनेशिया का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। ओके, इंडोनेशिया का हिस्सा है जहां पर अभी 50 लोग दोस्तों गायब हो गए थे, है ना, अभी हालांकि मिल गए, मतलब थोड़ा काफी चीजें इनके बारे में, मिसिंग प्लेन के बारे में जानकारी है जो कि मिल गई है, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये जकार्ता के कोस्ट के ऊपर है ना। इंडोनेशिया की बात करें, जकार्ता कैपिटल, वीडियो प्रेसिडेंट है, रुपया दोस्तों यहाँ पे करेंसी है। ये देखिए, ये आपका रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन वाला। आपको बताना है भारत को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के लिए अंतरराष्ट्रीय आपदा बचाव कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र मैंडेट मिलेगा। एनडीआरएफ को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, जल्दी बताइए। ओके, तो ये 2000 दोस्तों 6 के अंदर है एनडीआरएफ जो कि बनाया गया था। ये रेस्क्यू करने का काम करता है एक्चुअली के अंदर, दिल्ली में हेडक्वार्टर है और प्रधान साहब है जो कि डायरेक्टर जनरल है इसके। हाल ही में भारतीय मूल के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वे देश के राष्ट्रपति हैं, तो चंद्रिका प्रसाद जी है दोस्तों जो कि सूरीनेम के दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे यहाँ पे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोरिस जॉनसन भी दोस्तों अभी नहीं आ पाए हैं। अफ्रीका यहाँ पे देख सकते हो, सूरीनेम की बात करें, परामी रिबो यहाँ पे कैपिटल है, डॉलर करेंसी है, इंडियन ओरिजिन के हैं इसलिए दोस्तों इनको थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है सूरीनेम, आप देख सकते हैं ग्वियाना के पास में। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए IEDP जारी करने की सुविधा के लिए अधिसूचना जारी करी है। IEDP का अर्थ डैश है। तो IDP के बारे में बात करें गाइस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, IDP भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे और ट्रांसपोर्ट ने इशू किया है नोटिफिकेशन IDP जारी करने के लिए इंडियन सिटीजन के लिए जिनका IDP एक्सपायर होने वाला है, जो जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं उन सभी लोगों के लिए, ठीक है। और पोर्टल बनाया गया है वाहन नाम का पोर्टल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सार्वजनिक शौचालय में महिलाओं के लिए पीरियड रूम है जो कि शुरू किया है? तो काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र के द्वारा दोस्तों स्टार्ट है जो कि किया गया है। ओके गाइज, पुणे था महाराष्ट्र के थाने सिटी में इसको लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कुछ NTPC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। किसे भारतीय पुणे जागरण का जनक माना जाता था? तो सभी को मालूम है, राजा राम मोहन राय आपका सही आंसर होगा। बैंड एड का आविष्कार किसने किया? बैंडेज होती है ना जो आपके, उसका आविष्कार किसके द्वारा? डिक्सन के द्वारा दोस्तों किया गया था, सही क्या, डिक्सन। हाँ, विश्व का सबसे तेज वाला दोस्तों पशु भूमि कौन सी है, पशु कौन सा है जो भूमि पे चलता है? तो ये आपका चीता है दोस्तों, चीता भी पीता है, आप सभी को याद होगा, 70 mph की स्पीड से दोस्तों ये भागता है। नाइफ किसका उदाहरण है? लीवर तो नहीं है, इंक्लाइन प्लेन भी नहीं है, पुली भी नहीं है, तो क्या बचा? वेग बचा। तो दोस्तों बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए, इस तरीके के ये कंडीशंस होती है। गर्म कांच के धीमे शीतलन की प्रक्रिया को का क्या कहा जाता है? गर्म कांच के धीमे शीतलन को, तो इसको बोलते हैं एनीलिंग। ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है गाइस। भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची दी गई है? तो ये जो सूची दी गई है, पहली अनुसूची के हिसाब के अंदर दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में बता रखा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किसे किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये दोस्तों
एक तरीके से रेचक लेक्सेटिव इफेक्ट के लिए दोस्तों काम में लिया जाता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोयना डैम दोस्तों कहां पर है, तो ये आपको मालूम है महाराष्ट्र के अंदर है कोयना डैम दोस्तों। कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार के एकदम समान है, तो पृथ्वी जैसा ही दोस्तों जो आकार है वो है मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट एम, वीनस आपका बिल्कुल सही आंसर है जो कि होगा। ठीक है गाइस, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है दोस्तों सोलर सिस्टम में अर्थ, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, 225 डेज के अंदर दोस्तों वीनस जो है वो चक्कर लगाता है। ठीक है गाइस, चलिए अर्थ की ट्विन भी इसको कहते हैं, कोई मून इसके पास में नहीं है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, 953 दोस्तों विंडोज है जो कि हवा महल में देखने को मिलेगी, जहां से रानियां देखा करती थी शहर को, और ये सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा दोस्तों हवा महल को 1799 में दोस्तों बनाया गया था जयपुर के अंदर। ओके गाइस, इसी के जस्ट सामने जो एक और बहुत ही फेमस है टैटू करके कैफे है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया, अगर आप जयपुर में रहते तो हवा महल के जस्ट सामने रूफटॉप के ऊपर, ओके काफी सही जगह है वैसे। ठीक है गाइस, इसके अलावा प्राइसेस दोस्तों एक बार चेक कर लेना, आज हाइक हो गई है क्या, नहीं हुए तो ले लेना, हो गई हो तो कोई बात नहीं तो भी ले लेना यार, 500 रुपए पर मंथ में आप कंप्लीट ऐसे की तैयारी है जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एग्जाम के लिए BHU 10+ सब्सक्रिप्शन स्पेशल क्लास या हर क्लास में आप यूज कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, अपना गोल सिलेक्ट करना है, यूपीएससी बैंक एसएससी आईआईटी नीट कुछ भी है, फिर प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए, फिर 12 महीने और 24 महीने में से एक सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे रेफर कोड पूछेगा, BUNES 10 या BHU 10 है जो कि लगा के अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भारत का वैनेडियम का प्रमुख उत्पादन बनने की संभावना है, ये आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, मिलते हैं आठ बजे वाले सेशन में, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।